अगला सवाल है, इफ इट इज गिवन लेट ए एंड बी द टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार, यानी कि ए यूनियन बी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है और ए इंटरसेक्शन बी होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के नहीं होने की 1/4 है, ये अपने को गिवन है। वेयर ए इज डैश और बार स्टैंड्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ए, यानी कि अगर ए होने की है तो ए बार नहीं होने की है, देन द इवेंट ए एंड बी आर, तो ए और बी जो घटनाएं हैं वो कैसी घटनाएं हैं, देखिएगा ये अपने को गिवन है। अपने को और गिवन क्या है, ए यूनियन बी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/6 है तो होने की कितनी होगी, 1 - 1/6 यानी कि 5/6। ए के होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है क्योंकि तो गिवन है नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। आगे फर्दर, पी ए यूनियन बी होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इज दैट क्लियर। और जो गिवन है हमारे पास कितना, ये वैल्यू 5/6। ए के होने की कितनी, 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल जाएगी क्योंकि ये वैल्यू भी अपने को गिवन है, आराम से निकाल लेंगे। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नथिंग बट 1/3। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बस 1/4 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 1/3 जो कि बन जाएगा 1/4। देन द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन चॉइस सी।